सबको नमस्कार। मैं लक्ष्मी जोईस थिंक टैंक की तरफ से आप सबको स्वागत करती हूँ। उत्तराखंड के सभी टीचर्स को, शिक्षकों को और सारे जो भी देख रहे हैं उन सबको हमारे प्रोग्राम के लिए स्वागत है। पहले मैं शुरू करने से पहले अपने कंपनी के बारे में बताऊंगी पहले, और शेयर करके पीपीटी दिखाऊंगी, थोड़ा बहुत एक्टिविटीज़ भी, डेमो दिखाऊंगी, वीडियोस दिखाऊंगी, और कल एक हम साथ में मिलके एक एक्टिविटी भी करेंगे। जैसे आप ये देख रहे हैं, मैंने अभी पीपीटी शेयर किया है, इसमें आप देख रहे हैं हमारे कंपनी का नाम है थिंक टैक। थिंक जैसे सोचते हैं, और टैक मतलब टैक्टाइल, जो हाथों से करके कुछ सीखने को रहता है उसको टैक्टाइल एक्टिविटी बोलते हैं। सो दोनों को मिला के थिंक टैक हमारे कंपनी का नाम है। जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, बच्चे कितने खुश हैं हमारी चीज़ों के साथ खेल के, मतलब साइंस टॉयज जो बोलते हैं उसके साथ खेल के अच्छे से मज़े ले रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे हमारे सारे एक्टिविटीज़ में बहुत ही कम मतलब सिंपल सा वस्तु यूज़ करके सारे एक्टिविटीज़ बनाते हैं। ज़्यादा हम कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देते हैं ताकि बच्चे खेल के अपने आप खुद सीख जाए तो अच्छा रहता है। तो इसको हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी कहते हैं, क्योंकि जब खुद ब खुद करेंगे तो उनको अच्छे से समझ आती है। ये साइंस के एक्टिविटीज ही नहीं है, हम मैथ्स में भी एक्टिविटीज बना के बच्चों को सिखाते हैं। और अभी हमारे कंपनी के बारे में देखना है, तो हमारा कंपनी पहले 2014 में ISPF के नाम से शुरू हुआ था। ISPF मतलब इनोवेशन एंड साइंस प्रमोशन फाउंडेशन। तो ये सब इसमें ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से शुरू किया था, ताकि सारे बच्चों को जो अंडर प्रिविलेज बोलते हैं उनको ये हमारी प्रोग्राम पहुंच जाए, इसके लिए ये शुरू किया था। बाद में हमारा सिखाने का तरीका और जो प्रोग्राम्स थे और जो भी एक्टिविटीज़ करवा रहे थे बच्चों को, वो बाकी के स्कूल भी मतलब प्राइवेट स्कूल को भी, उन्हें भी अच्छा लगने लगे और कहने लगे कि उनको भी ये सब प्रोग्राम्स चाहिए। तो तब जाके 2017 में हमारा ये कंपनी, अभी जो मैं कह रही हूँ थिंक टैक, वो शुरू किया। तो इससे इसके वजह से हम पूरी मतलब प्राइवेट स्कूल्स को पहुंच सकते हैं। और 2018 से हम रामन अवार्ड्स कंपटीशन चला रहे, और इसमें भारत के सभी देशों स्टेट से राज्य से एक्टिविटी मतलब बच्चे उनका एक्टिविटीज बना के सबमिट करते हैं और इस कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। और 2000 में से हम लोग 100 को फिल्टर करते हैं, और उन 100 लोगों को, 100 बच्चों को रामन सर, सीवी रामन के घर पे ही ये प्रोग्राम अवार्ड्स का कंपटीशन चलता है साल में एक बार। तो वहाँ पे बच्चे आके उनका फिर से जो भी हमारा टास्क रहता है वो कंप्लीट करके हिस्सा लेते हैं। ये खाली बच्चों के लिए नहीं है, और टीचर्स के लिए भी अलग सा है, रामन टीचर्स अवार्ड का भी है। अब ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ramanawards.org करके हमारा वेबसाइट का नाम है, वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और 2018 से लेके 2022 तक, हम सब तो जानते हैं उस टाइम में कोरोना का बहुत ये चल रहा था, तो बच्चे बहुत मुश्किल से मतलब स्कूल तो पूरा बंद था, तो 9th एंड 10th के लिए एक्टिविटीज़ करना बहुत ज़रूरी था, तो वो लोग नहीं कर पा रहे थे। तो उन बच्चों को मदद करने के लिए CBSE की मदद से मतलब उन्होंने हमारे प्रोग्राम को चुना, और उसको भी मतलब उनको सब एडजस्ट लिया हमारे प्रोग्राम को, और सारे बच्चों को हमने 9th एंड 10th को एक्टिविटीज़ का पूरा लिस्ट हमने CBSE को दिया, ताकि बच्चे घर पे बैठ के जो घर पे उनको सामान मिलता है उसी सामान से पूरा एक्टिविटीज़ कर सके और ये कॉन्सेप्ट भी सीख सके। यही हमारा उद्देश्य था। और ये हमारे CBSE के वेबसाइट में जाके देखेंगे तो वहाँ पर भी ये नोटिफिकेशन में दिया गया है। और कर्नाटका गवर्नमेंट में भी हम जैसे अभी उत्तराखंड के टीचर्स के साथ ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे चालू है, वहाँ यह यहाँ कर्नाटका में भी ये ऐसा प्रोग्राम चालू है। और दूसरा पब्लिशर्स है OUP, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, उन सब ने हमारा प्रोग्राम मतलब एंडोर्स किया है,
उनको अच्छा लगा है जिस तरह से हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो वो उन लोगों ने सभी उनके स्टूडेंट्स को भी वो ये प्रोग्राम लिया है। अब तक हमने कितना प्रोग्राम्स मतलब ट्रेनिंग्स किया है इसका एक पिक्चर देखते हैं। 20,000 शिक्षकों को हमने ट्रेनिंग दिया है अब तक। इसमें सारे आ जाते हैं, गवर्नमेंट भी आते हैं, प्राइवेट भी आते हैं, जो अफोर्डेबल है मतलब जो पैसा दे के सीख सकते हैं उनको भी है, जो नहीं दे सकते उनको भी हमने ट्रेनिंग दिया है। यही उद्देश्य है कि सारे बच्चे अपने हाथों से कुछ करें और सीखें, और विज्ञान को मतलब बहुत ही मुश्किल है ये उनके दिमाग से निकालना है, इसकी दिशा में हमने ये सारे टीचर्स को ट्रेनिंग देते आ रहे हैं। और 60,000 बच्चों को भी हमारे ट्रेनिंग हम दे चुके हैं, और सारे बोर्ड्स में, मतलब ऐसा नहीं कि बस गवर्नमेंट स्कूल ये या CBSE के बच्चों को ही सिखाते हैं, ऐसा नहीं, स्टेट बोर्ड, ICSE और इंटरनेशनल IGCSE जो कैम्ब्रिज का सिलेबस है, उन उन सभी बच्चों को भी हम हमारा प्रोग्राम देते हैं। और हमारे कंपनी का फाउंडिंग टीम के बारे में बताना है जिन्होंने शुरू किया था। तो पहला है मिस्टर रवि रंगन, ये हमारे CEO है। इन्होंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मास्टर्स किया है बिट्स पिलानी में से। और हमारे विशाल भट्ट सर है, वो चीफ लर्निंग ऑफिसर है। इन्होंने मास्टर्स सेम कंप्यूटर्स मास्टर्स किया है IIT दिल्ली में से। और डॉक्टर प्रोचेता CV मलिक है, इन्होंने अपनी पढ़ाई ग्लासगो यूनिवर्सिटी में किया है, PhD इन एस्ट्रोनॉमी। और रघु सर है, ये हमारे इनका 24 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब हम और आपके बीच में जो भी एक कनेक्शन रहता है ये इनके थ्रू होता है, ये बनाए रखते हैं। और हम ज़्यादातर टीचर एम्पावरमेंट प्रोग्राम, मतलब शिक्षक को ही ज़्यादा ट्रेनिंग देने में इच्छा रखते हैं, ताकि एक शिक्षक को पढ़ाएंगे तो वो शायद 60 बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो 60 या 100 को, ऐसा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमारी प्रोग्राम सबको पहुंच जाए, यही हमारी आशा है। और हमारे सारे एक्टिविटीज़ ऐसा है कि ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक सारे करिकुलम के लिए, मतलब जो भी चैप्टर्स है उसके हिसाब से मैपिंग किया हुआ है। और सभी एक्टिविटीज़ 1 से लेके 10 तक पूरा हमारे पास लिस्ट है। और उसके लिए स्टूडेंट कंटेंट, मतलब जो वीडियोस चाहिए होता है वो भी तैयार है। अगर टीचर्स के लिए कुछ चाहिए रिसोर्स, जो मतलब उसका कॉन्सेप्ट है या वीडियो है, PPT है, वो सभी हमारी तरफ से आपको सपोर्ट मिल जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस भी करते हैं, और सपोर्ट मतलब टेलीग्राम्स ग्रुप बना के उसमें जो भी आपको डाउट्स होगा वो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो एक दो एक्सपीरियंशियल डेमो, लर्निंग का डेमो देख लेते हैं, फिर बाद में आगे का ये प्रोग्राम कैसे ले जा सकते हैं हमारे स्कूल में देखेंगे आगे। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि हमारे सारे एक्टिविटीज़ में हम बहुत ही सिंपल सा वस्तु यूज़ करते हैं, तो मैं शुरुआत अपनी स्ट्रॉ से ही करती हूँ। इसमें आप यहाँ पे देख रहे हैं एक मोटी सी स्ट्रॉ है, उसमें बीच में हमने छेद किया है, और दूसरा एक नॉर्मल स्ट्रॉ ले रहे हैं, और इसके अंदर इधर भी एक इसके अंदर भी एक छोटा सा छेद किया है, तो मैं इसके अंदर डाल के अभी मैं जैसे आप देख रहे हैं ये हमारे अच्छे से खेलने का चीज बन गया, इसको स्ट्रॉ प्रोपेलर बोलते हैं। दूसरा सारे बहुत सारे स्ट्रॉ में से ही है, ये एक दो बेंडेबल स्ट्रॉ लिया है, ऐसा जोड़ दिया उनको, इसको मैंने इस तरफ राइट साइड में घुमा के रखा है। अब देखते हैं किस तरह से ये घूमते हैं। राइट तरफ से लिया तो ये ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज मेरे लिए। अभी मैं इसको लेफ्ट में घुमा के देखती हूँ अभी कैसे घूमता है।
अभी एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। अगर मैं इसको अपनी तरफ घुमा दूं तो देखते हैं कैसा है अभी, ये घूमता है कि नहीं ये देखते हैं। अभी तो ये पूरा हाथी के सूंड के जैसा ऊपर एकदम उठा लिया। अभी दूसरा मैं एक अपने स्ट्रॉ ले रही हूं, फिर से स्ट्रॉ में ऐसे मैंने ये ऐसा वी शेप में कट किया है, लंबा सा स्ट्रॉ है, वी शेप में कट किया है इधर। ये मेरा स्ट्रॉ ओबो कहते हैं, ये अच्छे से खेलने के लिए बहुत ही मजेदार है बच्चों के लिए। ये एक एक हो गया। अभी दूसरा मैंने बना के रखा है, इसका आधा साइज का, इसको मैंने काट के आधा कर दिया है। इससे देखते हैं कैसी आवाज निकलती है। उससे थोड़ा छोटा है, आपको फर्क नजर आ रहा है? पहले मैंने बड़े में से किया तो कैसे आ रहा था, वैसे ही साइज घटता जा रहा है तो आवाज में भी फर्क आ रहा है। उससे भी छोटा है, तो इन दोनों को अगर मैं लूँ, एकदम छोटा सा और दूसरा जो पहले मैंने बनाया, उन दोनों में फर्क देखना है एक बार तो। और ये छोटा वाला, तो इन दोनों में फर्क ये है कि इसमें थोड़ा आवाज, अगर कंपेयर करना है बच्चों को, मतलब बिना बड़ी बड़ी शब्दा में सिखाने से बजाय उनको डायरेक्ट जो उनके दिन दिन में देखते, मतलब उनको इसको हम अगर आदमी की आवाज के लिए कंपेयर करें तो वो डीप कह सकते हैं, और औरत की आवाज को हम अगर शार्प कह दें, तो इन दोनों में से कौन सा आपको लगता है कि शार्प है? अगर आपको लगता है छोटा वाला डीप या शार्प है, जो भी लगता है आप चैट विंडो में दे सकते हैं। मेरे साथ मेरी कलीग शिवानी है, वो देख के मुझे बता देगी अगर आपको लगता है इसमें से कौन सा शार्प साउंड निकल निकल रहा है। शिवानी, कैन यू पेस्ट दैट आइटम पूल आफ्टर सम टाइम? यस नॉट नाउ, आई टेल यू। सो ये हो गया हमारा स्ट्रॉ का। अगर इसको, अगर दूसरा मैंने एक स्ट्रॉ लिया है, वही एक लंबा सा, उसमें मैंने ऊपर के हिस्से में से थोड़ा छेद कर दिया है, तो इसको अगर मैं बजाऊं तो ये हमारा खेलने का बांसुरी जैसा बन जाएगा। तो आपके पास अगर स्ट्रॉ है तो इसका वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, स्ट्रॉ ओबो करके लिखने से। मेरी कलीग अभी उसको लिंक पेस्ट कर देगी चैट विंडो में, आप इस वीडियो को देख के आप खुद ब खुद अपने बच्चों को ये करा सकते हैं। इसमें हम बच्चों को यही बोलते हैं, पहले जब 5 सेंटीमीटर जितना लंबा था तो कैसी आवाज निकल रही थी, तो 10 सेंटीमीटर जितना हुआ तो कैसे आया, फिर जब 15 हुआ तो कैसे हुआ। तो ये हमारे ऑब्जर्वेशन शीट में उनको देख के लिखना होता है। और एक चीज है ऑब्जर्वेशन शीट में, प्रिडिक्शन बोलते हैं उसको। प्रिडिक्शन मतलब करने से पहले बच्चों को अंदाजा लगाना होता है और बाद में उनको करके एंट्री करना होता है, तो इससे उनको जो उन्होंने देखा है खुद वही मन में लास्ट में रहता है। यहाँ पे देखिए दूसरा एक है, ये मैंने एक ये स्ट्रॉ का पीस लिया है, एक मेंढक का चित्र बना के स्ट्रॉ में लगा के
ये सारे चुंबक इधर रख दिया है, सारे रिपेलिंग पोजीशन में है। तो अभी मैं उसको ऐसे ऐसे करती हूँ तो ये आपको ये मेंढक कूदता हुआ नजर आएगा। ये कितना छलांग लगा सकता है, ये आप और खेल सकते हैं इससे। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने सिर्फ दो दो मैग्नेट्स लगाया है। अगर मुझे इसको मैं एक एक कर दूँ तो शायद ज्यादा हो, या फिर तीन करूँ, सब में तीन कर दूँ तो और ज्यादा होगा और मैं इससे बाहर निकाल सकूँ। दूसरा एक मैग्नेटिक पेन स्टैंड है, इसी को मैं यहाँ पे कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने मैग्नेट्स लगाया है, ये अट्रैक्टिंग पोजीशन में रहेगा और नीचे में एक पेन बिना कोई सपोर्ट का ये खड़ा है। नीचे एक प्लास्टिक का स्केल जैसा रख रही हूँ ताकि ये अच्छे से घूम सके। आप देख रहे हैं बिना कोई सपोर्ट का ये पेन अपने आप ऐसे खड़ा है। और ये इससे स्ट्रॉ से मैंने आवाजें निकाल के दिखाई आपको। ये हमारा ये जो कार्टन बॉक्स रहता है ना, चाय का डब्बा हो या सोप का, तो साबुन का डब्बा हो, उसमें से निकाल के बीच में एक पेपर का पीस रखे और इससे भी आवाज अच्छे से निकलता है। एक मिनट, नहीं आ रहा है अभी। इसको हम हारमोनिका बोलते हैं, जैसे माउथ ऑर्गन रहता है उस तरह का ये एक एक्टिविटी बन गया। वैसे ही सेम उसी तरह ये एक कॉलर लिया है जो कोई भी आपके प्लम्बिंग के शॉप में दुकान में मिल जाएगा, तो उसके ऊपर एक बेलून लगाया है और एक स्मॉल प्लास्टिक पाइप, रबर पाइप लगाया है, और इससे मैं आवाज़ निकलता है कि नहीं मैं देखती हूँ। पहले मैं इसको ऊपर से ऊपर ऐसे रख के आवाज का निकालने की कोशिश करती हूँ। अभी नहीं हो रहा है, थोड़ा नीचे, अभी नहीं हो रहा है, उसके ठीक उसी लेवल पे अभी हो रहा है। अगर मैं इसके ऊपर अपना उंगली रख के उसको दबाऊं, यहाँ पे ऐसे दबा दूं तो आवाज नहीं निकल रही है। इधर में इसका कंपन मुझे फील हो रहा है, अच्छे से पता चल रहा है कि जब ये कंपन होता है तो आवाज भी निकल रही है। अगर इसको इसमें अगर मैं दो तीन और पाइप जोड़ दूँ तो क्या फर्क आता है? इसको हम 5वीं क्लास में पढ़ाते हैं और 8वीं क्लास में ज्यादा पिच और फ्रीक्वेंसी के बारे में बताते हैं। ये नजर आया आपको, पहले कैसे आया, अभी जोड़ने से कैसा आवाज निकला। अभी अभी लास्ट वन एक और ट्राई कर रही हूँ। एक पाइप है, उसके सामने मैंने एक फनल लगा दिया है, तो इससे कैसे आवाज निकलती है देखते हैं। अभी पहले आवाज यहाँ पे जब जैसा आया वैसा नहीं आया, वैसा नहीं आया। ये बिल्कुल पहला जैसा हो गया, क्योंकि बाहर निकलते वक्त फिर से इधर जगह की कमी पड़ गई और आवाज भी अलग सा हो गया। तो इसको हम शार्प कह सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैं यहाँ से फूंक मार रही हूँ तो इस बेलून का एक स्वभाव है, जैसे इलास्टिसिटी जो बोलते हैं, एक बार मतलब उसके वापस अपनी स्थिति में आने के लिए कोशिश करता है। जब मैं फूंक मार रही हूँ तो वहाँ से जो भी इतने सारे एयर पार्टिकल्स हैं, उन सभी एयर पार्टिकल्स को ऐसा ऊपर नीचे हो रहे उधर, तो
तो एकदम मतलब यहां से निकलते वक्त ये आवाज आ रहा है। अभी आपके सामने एक एक्टिविटी करके आपको दिखाती हूँ। मैंने एक स्ट्रॉ लिया है, यहाँ पे पहले से टेप लगा के रखा है, एक फोम पीस लिया है, एक स्ट्रॉ लगा दिया इसको, और दूसरा एक है, दूसरे को मैं ऐसा लगाती हूँ, आपको ये पूरा खुला हुआ नजर आ रहा है ना, तो दूसरा इसको आधा बंद करके लगा दूंगी। तो इसको मैं आधा ऐसा बंद करके, तो दोनों स्ट्रॉ में से एक आप देखेंगे तो पूरा खुला है, दूसरा आधा बंद है, एक आधा बंद है तो दूसरा पूरा खुला है। तो इसको मैं पानी के अंदर, स्ट्रॉ से तो हम ज्यादा इसको पीने के लिए यूज करते हैं, पहले मैं जो बिना बंद हुआ है मतलब पूरा खुला है उसको, उससे मैं फूंक मार के देखती हूँ कुछ होता है कि नहीं। उससे पहले मैं पीने की कोशिश करती हूँ, पानी मैं पी सकती हूँ कि नहीं देखते हैं। नहीं आ रहा है, उससे फूंक मार के देखती हूँ, नहीं हो रहा है। जो स्ट्रॉ पूरी खुला है मतलब वो पूरा जो खुला है उससे अगर मैं फूंक मार रही हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है। अभी जो आधा बंद है उससे मैं कुछ ट्राई करती हूँ, पहले सक करके देखती हूँ मैं पी सकती हूँ कि नहीं पानी, नहीं हो रहा है। अभी फूंक मार के देखती हूँ, आप देख सकते हैं ये अच्छे से, ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो बाहर निकल रहे थे ये हमारा वाटर स्प्रे बन गया। मैंने तो बहुत सिंपल सा दो स्ट्रॉ यूज किया, एक फोम पीस और एक टेप, इसको लगाने के बाद इससे अच्छे से वाटर स्प्रे बना सकते हैं। अभी छोटे बच्चों को इसमें, अगर बड़े बच्चों को सिखाना है तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये बर्नौलिज का प्रिंसिपल है, जैसे हवा का स्पीड ज़्यादा हो गया इसलिए प्रेशर कम हो गया, और यहाँ से प्रेशर ज़्यादा था तो उसके लिए पानी ऊपर आ गया, पर ये छोटे बच्चों को नहीं कह सकते। तो इसके लिए हम दूसरा देखने को कह सकते हैं बच्चों को, अगर मैं एक फूंक में मतलब एक लंबी सांस लिया और मैं फूंक मारती हूँ तो एक फूंक में मैं कितना पानी निकाल सकती हूँ, ये बच्चों को देखने के लिए कह सकते हैं। तो इसे कैसे, इसको कैसे मेजर कर सकते हैं, उसके लिए हमने एक ये सिरिंज लिया है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं 6 ml का मार्किंग है, तो मैं 6 ml जितना पानी भर देती हूँ। अभी मैंने 6 ml जितना पानी भर दिया है, ये नीचे का कैंडल से मैं जला के मैंने बंद कर दिया ताकि पानी ना निकले। तो इसके अंदर मैं अभी अपना वाटर स्प्रे रख के एक बार फूंक मारती हूँ और मैं देख सकती हूँ कि कितना पानी मैं निकाल सकती हूँ। हाँ, ये 6 ml हो गया। एक बार में मैंने 1 ml जितना पानी निकल पाई। अभी मेरे पास दूसरा एक है, इससे अगर मैंने एक और रख के बना के रखा है, थोड़ा मोटी सी स्ट्रॉ लिया है, इन दोनों में फर्क कैसे रहेगा? इसमें ज्यादा, इसमें तो अभी हमने देखा 1 ml पानी आया, आपको क्या लगता है इसमें 1 ml आएगा या इससे भी ज्यादा आएगा? आप चैट विंडो में लिखे तो अच्छा रहेगा, मुझे कोई रेस्पॉन्स मिल जाए तो हमें लगता है कि आप भी देख रहे हैं। आपको क्या लगता है, इसमें से मैंने जब एक फूंक मारी अच्छे से लंबी सांस लेके तो मैंने देखा कि 1 ml जितना पानी खर्च हुआ, तो अभी दूसरा मैं इससे करती हूँ तो पानी ज्यादा निकलेगा या और कम हो जाएगा?
आपको क्या लगता है? आप कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, मैं वैसे ही दिखा देती हूँ आपको, देखते हैं। 6 ml पानी भर के रखा है, फिर मैं अभी देखती हूँ। 1 ml से थोड़ा कम आया। इससे क्या पता चलता है? पाइप की साइज तो बढ़ गई, मतलब स्ट्रॉ की साइज, पर उससे पानी का निकलना ज्यादा नहीं हुआ, वो कम ही हो गया, क्योंकि इसको इससे निकालने के लिए मुझे ज्यादा जोर डालनी पड़ेगी और मेरे लंग्स की कैपेसिटी भी उतनी रहनी चाहिए। मैं एक दो वीडियोस दिखा देती हूँ आपको अभी। देख सकते हैं कि हमारे सारे वीडियोस कैसे होता है, ये सारे आपको YouTube में मिल जाएगा। पहले हमने स्ट्रॉ ओबो किया, उसका एक बार वीडियो देख लेते हैं। सॉरी, ये स्ट्रॉ वाटर स्प्रे का है वीडियो, अभी जो मैंने बना के दिखाया आपको। ये वीडियो में भी बता देंगे कि आपको आधा ब्लॉक करना है। ये हमारा स्ट्रॉ तैयार हो गया, वाटर स्प्रे। और वाटर स्प्रे बनाने के बाद बच्चों को ऑब्जर्वेशन शीट्स लिखना लिखना पड़ता है। तो उसमें क्या रहता है, पहले कौन से स्ट्रॉ डालने के बाद आपको स्प्रे नज़र आया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, प्रिडिक्शन करके एक कॉलम है जिसमें पहले बच्चों को अंदाज़ा लगाना होता है कि शायद पानी पानी निकलेगा या नहीं। उसमें ऑप्शंस भी इधर येल्लो बॉक्स में दिया हुआ है। ये मतलब वाटर कम्स आउट एज फाइन ड्रॉपलेट्स, पानी ड्रॉपलेट्स के हिसाब से तरह आएगा। और सी मतलब वाटर कम्स आउट नॉर्मली, जैसे स्ट्रॉ से निकलता है पूरा ऐसे पानी बाहर आएगा। और अगर ई है तो पानी नहीं आएगा। तो तीनों ऑप्शन में से जो भी आपको लगे कि ये होगा, इसको करने से जैसे इधर बताया है वैसे करने से आपको लगता है या तो पानी स्प्रे जैसा आएगा या नहीं आएगा या नॉर्मल आएगा, उसके हिसाब से आपको इधर ऑप्शन अपने इस बॉक्स में लिखना है। फिर बाद में बच्चों को ट्राई करने के लिए बोलना है, ताकि उनको शायद मन में वो सही अंदाज़ा लगाया होगा, पर अगर गलत है तो भी वो भूल जाएंगे, पर जिन्होंने जिसको उन्होंने ऑब्जर्व करके लिखा है वो लास्ट में मन में रहेगा। ये स्ट्रॉ ओबो, स्ट्रॉ से जो हमने बनाया उसका है वो, ये भी उसके लिए भी आपको ऑब्जर्वेशन शीट, हमारे सारे एक्टिविटीज में आपको ऑब्जर्वेशन शीट्स मिल जाएगा। और इसमें ऐसा है, मैंने जैसे बताया पहले 5 सेंटीमीटर का लेंथ का हो तो बच्चों को क्या देखना है, या तो फिर डीप साउंड आएगा या शार्प साउंड, तो वो देखना है। या अब उनको लगता है डीप आता है तो डी लिखना है, या फिर उनको लगता है या शार्प आएगा तो पहले एस लिखना है, फिर बाद में करने के बाद उनको जो लगे यहाँ पे वो लिख देंगे। और ये सब करने के बाद बच्चे खुद ब खुद अपने आप वो सारे चीज एक्सप्लेन करके दिखा देंगे। यहाँ पे एक वीडियो मैं अभी दिखा रही हूँ, इसको नर्वस सिस्टम सेंसरी रिएक्शन बोलते हैं। इसमें क्या देखते हैं, जैसे हमारी रिएक्शन टाइम किस में ज़्यादा है,
देखने से, आंखों के देखने से, मतलब जो हम आंख यूज करके इशारा समझते हैं उसमें हम जल्दी रिएक्ट करते हैं, या फिर किसी के आवाज़ देने से रिएक्ट करते हैं, या फिर किसी के छूने से जल्दी रिएक्ट होते हैं। ये देखने के लिए ये एक एक्टिविटी है। टेम्पलेट मिल जाएगा इस किट में, फिर इसको एक कार्टन बॉक्स के ऊपर लगा के रूलर जैसा बनाना है। ये स्केल रेडी हो गया। अभी पहले ऑडिटरी मतलब आवाज देने से किस तरह से हम रिएक्ट करते हैं ये देखते हैं। आवाज मतलब सुनने की क्षमता कैसा है ये देखते हैं। इसके लिए हमें आंखें बंद रखना होगा ताकि हम पूरा ध्यान अपनी कान से जो आवाज हमें सुनाई देता है उसके हिसाब से मुझे वो स्केल को पकड़ना है। जितना जल्दी पकड़ती हूँ, इसके लिए 3 ट्रायल्स करके वो मेजरमेंट जो भी रीडिंग आता है उसको मैं याद लिख लूंगी। लिखना पड़ता है, फिर तीनों ट्रायल्स का एवरेज देख के मुझे पता चल जाएगा कि ऑडिटरी स्टिमुलस में कितना टाइम लिया। आवाज देते ही पकड़ना है। गो करके कोई भी कुछ भी आप आवाज दे सकते हैं, उससे आप तुरंत पकड़ना पड़ेगा। तो 3 ट्रायल्स करने के बाद हमें पता चलता है कि एवरेज लेने से पहले पता चलता है कि हमारा स्टिमुलस टाइम कितना था। वो तीनों ट्रायल्स का लेके एवरेज कैसे करते हैं ये भी आपको वीडियो में दिखा दिया है। ये हो गया ऑडिटरी रेस्पॉन्स, मतलब मैंने आवाज़ दिया और आपने कैसे रेस्पॉन्स किया ये देखने के लिए वो एक्टिविटी हो गया। अभी अगर मैं देख रही हूँ बिना इशा मतलब आंखों से, जैसे वो गिर रहा है तभी मुझे तुरंत पकड़ना है, उसमें कितना टाइम लेती हूँ ये देख सकते हैं इस एक्टिविटी में। अभी मैं देख के कर रही हूँ, पहले मैंने बिना मतलब आंखें बंद रख के किया था, सुनते ही पकड़ लिया। इसको भी 3 ट्रायल्स देखना है। अभी लास्ट वाला टच, आंखें बंद रखना है और आपको ऐसे टच करके या छूने के बाद आपको तुरंत पकड़ना है। तो कौन सा जल्दी होता है ये आपको रीडिंग्स लेने के बाद पता चलता है। आपको क्या लगता है, विजुअल पहले ज्यादा जल्दी कर लेते हैं या फिर सुनने का ऑडिटरी, इसमें हम जल्दी रिएक्ट करते हैं, या फिर छूने से जल्दी मतलब टच के हिसाब से जल्दी रिएक्ट होता है? इन तीनों में से आपको जो भी लगता है आप चैट विंडो में डाल सकते हैं। इसमें भी आपको 3 ट्रायल्स करना है और देखना है। मैंने बंद कर दिया। दूसरा एक वीडियो दिखाती हूँ आपको, एक पैराशूट मॉडल का है। ये पैराशूट मॉडल हमने पहले दिन बैच 1 के टीचर्स के साथ किया था। तो इसके लिए आपको एक प्लास्टिक शीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें से एक गोलाकार का शेप ले लेंगे और 8 धागे लगा के और रिंग मैग्नेट्स के थ्रू उसको गांठ बांध के हमारा पैराशूट तैयार करते हैं, और दोनों को साथ में छोड़ के देखते हैं कि कौन सा पहला आता है। एक 40 सेंटीमीटर का कर लेते हैं, फिर दूसरा 20 सेंटीमीटर का, और देखते हैं कि कौन सा पहले आता है। तो ये क्यों, जो भी पहला आता है वो क्यों आता है, ये सिर्फ हमें मतलब ये एक्टिविटी करने के बाद, ऑब्जर्वेशंस लिखने के बाद थोड़ा जानकारी मिल जाएगा और बच्चे खुद बोल सकते हैं कि कौन सा पहले आता है और क्यों आता है। वो तो एयर रेजिस्टेंस के हिसाब से, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो तो वो थोड़ा धीमी गति से आएगा और थोड़ा कम हो तो जल्दी आ जाता है।
ये पहला पैराशूट। दूसरे साइज का भी एक पैराशूट छोटा वाला बना के साथ में छोड़ा है। अब देख रहे हैं छोटा वाला जल्दी नीचे आ रहा है। ये आपने अभी देखा जो भी ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 5 तक के बच्चों के लिए सारे थोड़ा बहुत एक्टिविटीज हमने दिखाया है, और सिंपल सा सामान यूज करके बच्चे अपने हाथों से खुद बना के कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ग्रेड 1 और 2 में ये इम्पोर्टेंस देते हैं कि बच्चे ज़्यादा खेले जो भी एक्टिविटीज़ बनाते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट के ऊपर इतना ध्यान ना दे। पर सारे ग्रेड 1 से लेके 5 तक एक्टिविटीज़ के लिए हमने पीपीटीज बनाया है और वीडियो भी बनाया है, ताकि आप क्लास लेने से पहले ये सारे हमारे वीडियोस और पीपीटी देख के आसानी से क्लास ले सकते हैं। तो हमारे प्रोग्राम आपको अगर अच्छा लगे तो इसको ज्वाइन करने के लिए पहले तो आपको एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा, और ग्रुप का लिंक आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसमें पूरा आपको जानकारी दिया जाएगा कि कैसे ज्वाइन होना है। गवर्नमेंट स्कूल है तो CSR का फंड मिलते ही आप सबको किट मिल जाएगा। 7 किट देने का ये सोचा है, 7 में से 4 आपको किट्स मिल जाएगा, और बाकी के 3 के लिए क्या चाहिए सामान उसका आपको डिटेल्स दिया जाएगा, और उसके हिसाब से आप अपने बच्चों के साथ 7 एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। इन 7ों एक्टिविटीज़ के लिए आपको पूरा PPT और मेकिंग वीडियो, जो भी आपको रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, इन सबको आप अपने प्लेटफॉर्म के ज्वाइन होने के बाद ले सकते हैं। आपके लिए एक फीडबैक और सर्टिफिकेट का भी लिंक दे देंगे हम कल, तो वो फिल करने के बाद आपको हमारे प्लेटफॉर्म में ऐड कर देंगे। आप टेलीग्राम लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है उसको लिख के आप उसके ऊपर क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाएंगे, तो जो भी हम इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं हम आसानी से आपको पहुंचा सकते हैं। टीचर कॉर्नर एक बार एक वो मैं दिखा देती हूँ कैसा रहता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा ऑब्जर्वेशन शीट हो गया, और गाइड्स भी मिल जाएगा आपको। ये गाइड्स में आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस रहता है, और हमारे सारे प्रोग्राम्स के लिए हम 1.5 घंटे का टाइम ऐसा रखते हैं। मतलब करने के लिए तो आपको सिर्फ 30 मिनट का टाइम चाहिए होता है, फिर उसके बाद प्रिडिक्शन ऑब्जर्वेशन लिखने के लिए 10-15 मिनट टाइम देना पड़ता है, फिर उसके बाद आप कॉन्सेप्ट डिस्कशन, आपने क्या सोचा, मतलब एक डिस्कशन के हिसाब से आप बच्चों के साथ ये कर सकते हैं। फिर लास्ट में आपको सारे पीपीटीज में एक रिकैप करके क्विज रहेगा, उसमें 5 से लेके 5 या 6 क्वेश्चंस रहेगा। वो सारे क्वेश्चंस जो आपने एक्टिविटी बनाया और जो पीपीटी में हमने बच्चों को सिखाया उसके ऊपर ही रहता है, और वो मल्टीपल चॉइस मतलब उनको ऑप्शंस दिया गया होता है, उसमें आप उनको चूज करके आंसर दे सकते हैं। तो इन सब के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 80 मिनट, 1.5 घंटा मैंने बोला है 90 मिनट का, तो 80 मिनट मतलब 2 ब्लॉक पीरियड आप साथ में करेंगे तो मेकिंग भी हो जाएगा, और उसके बाद उसके रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो बच्चों को आप सिखा सकते हैं। तो हमारे प्रोग्राम को चुनने के लिए मतलब लेने के लिए आपको हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में लॉगिन होना पड़ेगा, आपके फ़ोन मोबाइल फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी देना पड़ेगा, उसके बाद हम ऐड कर सकते हैं। फिर जो भी आपको सपोर्ट चाहिए होता है आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होके वहाँ पे आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ये पूरा एक टीचर कम्युनिटी में आपको भी हिस्सा लेने के लिए एक अच्छी सी मौका है, और ये हमारा टीचर प्लेटफॉर्म है, तो इसमें पूरा लिस्ट रहता है जो भी आपके ग्रेड का एक्टिविटीज़ है, और उसके हिसाब से आपको पूरा
पीपीटी और वीडियो का लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये सब देख के आप बच्चों को सिखा सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, चैट में डाल देंगे तो मैं देख लूंगी। कुछ तो आप चैट लिखेंगे तो मुझे पता चलेगा आप देख रहे हैं, यस नो कुछ भी लिखेंगे तो मुझे खुशी होगी कि आपने इतनी देर तक जो डेमो में दिखा रही थी वो आप देख रहे थे। और कल के लिए हम साथ में एक्टिविटी करेंगे, आप ये थोड़ा जानकारी ये ले लीजिए, मैं वीडियो में दिखा दूंगी कल के एक्टिविटी के लिए आपको क्या चाहिए करके। उसके लिए आपको कल हम साथ में मिलके थ्रेड क्लाइंबर जो बोलते हैं उसको करेंगे। ये सामान का थोड़ा नोट कर लीजिए, थ्रेड क्लाइंबर बोलते हैं इसको। इसमें आपको एक ऐसा कार्डबोर्ड का जरूरत पड़ेगा, कोई भी साबुन का डब्बा हो या फिर चाय का डब्बा, उसमें से आप ले सकते हैं। 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर का कार्डबोर्ड चाहिए, और धागा चाहिए, और आइसक्रीम स्टिक चाहिए। और आइसक्रीम स्टिक नहीं है तो आप कोई भी पेंसिल, लकड़ी का मतलब पूरा नया पेंसिल ले सकते हैं। और एक रबर बैंड की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ये तो ये धागा है मैं दिखा रही हूँ इधर। और दो स्ट्रॉ पीसेस चाहिए ऐसा लगाने के लिए। ये अगर आपके पास बीड नहीं है तो कुछ भी आप लगा सकते हैं, जैसे कुछ ये बीड नहीं है तो आप कोई भी एक छोटा सा लकड़ी का या फिर मैच मैच बॉक्स तीली रहते हैं ना, उसको आप लेके यहाँ पे लगा सकते हैं। ये इसको इसलिए लगा रहे ताकि ये धागा इधर से ना निकले करके। तो इतना सारा आप कल तैयार रखिए, हम साथ में इसको बनाएंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। मैं 2 मिनट, मैं उम्मीद करती हूँ आपने ये नोट कर लिया है, और कल इसको हम साथ में बनाएंगे। कुछ भी पूछना है तो आप एक बार फिर से, मैं कह रही हूँ चैट विंडो में डाल देंगे तो पता चलेगा कि आप देख रहे हैं और आपने मटेरियल्स का नोट भी कर लिया है, ये मैं समझ सकती हूँ। गिरीश जी आपने अपना नाम दिया है, थैंक यू सो मच। आपने मटेरियल्स नोट किया है तो यस लिख दीजिए। कल ठीक इसी टाइम में हम मिलेंगे 2:45। इन सब मटेरियल्स को आप लेके आइए, साथ में मिलके करते हैं, और ऑब्जर्वेशन शीट भी लिखते हैं और देखते हैं उसमें क्या कॉन्सेप्ट देखने सीखने को मिलता है। कोई मैसेज तो नहीं आ रहा है तो मैं ये सेशन बंद करती हूँ। और हमारे साथ अब तक आपने टाइम दिया इसके लिए धन्यवाद, और कल मिलते हैं। थैंक यू।